नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। हम अपने दर्शकों को ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने के लिए लगातार बताते आए हैं, साथ ही हम अपने दर्शकों से यह भी अपील करते रहते हैं कि अपना OTP किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, उसी के साथ साथ ऑनलाइन ठगों ने भी ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके ईजाद किए हैं और आज हम आपको एक ऐसा ही ऑनलाइन ठगी के मामले के बारे में बताने जा रहे हैं। बात है 15 अक्टूबर की, जब डॉक्टर PK गर्ग निवासी रामगंगा बिहार Phase 1 थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिजली का बिल जमा करने का मैसेज भेजा गया। मैसेज भेजने के बाद कॉल पर भी बात की गई, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के कहने पर डॉक्टर PK गर्ग द्वारा एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी एक अनजान ऐप AnyDesk को इंस्टॉल करवाया गया और अज्ञात व्यक्ति मतलब ऑनलाइन ठग ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डॉक्टर PK गर्ग के बैंक खाते से 10,26,000 रुपये की ठगी कर ली। जब तक यह बात डॉक्टर PK गर्ग समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जब डॉक्टर PK गर्ग ने हर एक पहलू पर गौर किया तब उनको समझ आया कि उनके साथ ऑनलाइन ठगी हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर PK गर्ग ने सूझबूझ और संयम रखते हुए साइबर सेल मुरादाबाद को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। साइबर सेल द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी मेहनत और बहुत प्रयास के बाद 1 नवम्बर को ठगी के पैसों में से 5 लाख रुपये वापस कराए गए। साइबर सेल द्वारा लगातार प्रयास किए गए और इस मामले की गंभीरता को देखकर कड़ी कार्यवाही भी की गई। साइबर सेल की कड़ी मेहनत करने के फलस्वरूप ही 23 नवंबर को दोबारा से 3,40,000 रुपये वापस कराए गए, यानी 10,26,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी में से अब तक साइबर सेल द्वारा 8,40,000 रुपये डॉक्टर PK गर्ग को वापस कराए गए हैं। साथ ही साइबर सेल बची रकम को लेकर भी सतर्क है। 10,26,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी में से अब तक 8,40,000 रुपये वापस पाकर डॉक्टर PK गर्ग बहुत खुश हैं और उन्होंने साइबर सेल मुरादाबाद की जमकर तारीफ की है। मैं डॉक्टर PK गर्ग मुरादाबाद निवासी हूं। 15 अक्टूबर को मेरे पास एक मैसेज आया, फिर फ़ोन आया, जिसमें ये बताया गया कि मेरा बिजली का बिल अपडेट होना है और उसको अपडेट करने के लिए उन्होंने मेरे द्वारा मेरे फ़ोन पर एक ऐप डाउनलोड कराया। उसके ऐप डाउनलोड होने के बाद उन्होंने मेरे बैंक से 10,26,000 रुपये की ठगी कर ली, जिसकी सूचना मैंने तुरंत साइबर क्राइम ऑफिस को दी और साइबर क्राइम ऑफिस और पुलिस द्वारा सहयोग के द्वारा उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा 5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में 1 नवंबर को वापस आ गए थे। आज दिनांक 23/11 को 3,40,000 रुपए पुनः वापस आ गए। इस प्रकार से 10,26,000 रुपए में से 8,40,000 रुपए मेरे अकाउंट्स में वापस आ गए हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि अभी वो लोग और मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए और कुछ और भी मुझे सफलता मिलेगी। धन्यवाद। अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ऑनलाइन ठगी से किस तरह से बचा जा सकता है, तो हम कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। नंबर 1, कभी भी अपना OTP अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें। नंबर 2, कभी भी अजनबी के कहने पर अनजान एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। नंबर 3, ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेन देन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक मतलब मुफ्त का वाईफाई उपयोग ना करें। फ़ोन पर कैश रिवॉर्ड को अपने खाते में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्तियों के बताए हुए नियमों का पालन ना करें। नंबर 5, साइबर अपराध होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, क्योंकि 24 से 48 घंटों के अंतराल में धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है। नंबर 6, अधिक सहायता के लिए आप प्रभारी थाना साइबर क्राइम के मोबाइल नंबर 7839876646 एवं साइबर सेल मोबाइल नंबर 9454401742 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1930
पर भी संपर्क किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।